दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर से एक नए टॉपिक को लिया है जो कि है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर आप लोग इस टॉपिक को समझने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के वीडियो को पूरा देखें, जहां पर आप लोग सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के क्वांटिटी को सेकेंडरी साइड पर या सेकेंडरी साइड के क्वांटिटी को प्राइमरी साइड पर रिफर्ड करे तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो का किस तरीके से यूज किया जाता है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले के सभी वीडियो को भी देखे जहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल और कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जो की है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर अब हम लोग यहाँ पर आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सिंगल फेस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे जिस पर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों को सिंगल फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लेना होगा अब हम लोग यहाँ पर आगे इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर देख पाएंगे कि इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या हाई वोल्टेज साइड पर वोल्टेज का वैल्यू कितना लिया है वी या वी और करेंट के वैल्यू को कितना लिया है आई या आई और इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी या लो वोल्टेज साइड पर हम लोगों ने वोल्टेज का वैल्यू कितना लिया है वी एल या वी टू और करेंट का वैल्यू कितना लिया है आई एल या I2 और यहाँ पर इस सिंगल फेस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पे देख पाएंगे कि हम लोगों ने कॉमन वाइंडिंग BC के लिए करंट के वैल्यू को कितना लिया है I जिसको हम लोग इस पॉइंट B पर KCL लगाकर IH और IL के टर्म में या I1 आई टू के टर्म पे लिख लेंगे जब इस पॉइंट बी पर के सी एल लगाएंगे तो हम लोगों को आई का वैल्यू कितना मिलेगा तो लिख पाएंगे आई टू माइनस आई वन या आई एल माइनस आई एच हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर सीरीज वाइंडिंग ए बी पर कितना करंट ले पाएंगे आई एच या आई वन क्योंकि यह सीरीज वाइंडिंग ए बी हाई वोल्टेज या प्राइमरी के साथ कैसे कनेक्टेड है बी पर नंबर ऑफ टर्न्स के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए अब हम लोगों को प्राइमरी या हाई वोल्टेज साइड जो कि इस वाइंडिंग का एसी पोर्सन है उस पर हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिया है एन वन उस पर अब हम लोगों को इस वाइंडिंग पोर्सन के बीसी या लो वोल्टेज या सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टन कितना लिया है एन टू को माइनस करना होगा तो यहां पर अब हम लोग ए बी पोर्सन के लिए नंबर ऑफ टन को कितना लिख पाएंगे एन वन माइनस एन टू अब हम लोगों को इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए एबी पोर्सन पर वोल्टेज के वैल्यू को भी कैलकुलेट करना होगा तो वोल्टेज के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए AB पोर्सन पर हम लोगों को वाइंडिंग ए सी पोर्सन के वोल्टेज जो कि कितना है वी एच या वी वन पर माइनस करके लिखना होगा वाइंडिंग के वोल्टेज को जो कि कितना है वी एल या वोल्टेज तो को कितना लिख पाएंगे वी वन माइनस वी टू या वी एच माइनस वी एल और अब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर पे लीकेज फ्लक्स के कारण होने वाले प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को लिखेंगे तो प्राइमरी साइड पर हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को कितना ले लेते हैं आर वन और लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को कितना ले लेंगे एक्स वन और इस सेकेंडरी या लो वोल्टेज साइड पर रेजिस्टेंस के वैल्यू को कितना ले पाएंगे आर टू और लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को कितना ले पाएंगे एक्स टू और अगर आप लोग चाहे तो इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन लेटर के जगह टी लेटर भी यूज कर सकते हैं और प्राइमरी साइड के लिए सब्सक्रिप्ट पी और सेकेंडरी साइड के लिए सब्सक्रिप्ट एस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग बुक के राइटर पे अलग अलग सब्सक्रिप्ट किया जाता है तो जैसा कि हम लोगों ने स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के पिछले कई वीडियो पर देखा कि अगर हम लोगों को इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर को नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की तरह कंसिडर करना हो तो हम लोगों को इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के

करके ड्रॉ कर लेंगे जब हम लोग इसको प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि वाइंडिंग ए बी पोर्सन के लिए हम लोगों ने कौन कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या लिया है और इस वाइंडिंग बी सी पोर्सन पर हम लोगों ने कौन कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या लिया है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पोर्शन ए बी और वाइंडिंग पोर्शन बी को नॉर्मल टू वाइंडिंग या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह अलग अलग ड्रॉ कर लिया है प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह अब हम लोग इस वाइंडिंग पोर्सन ए बी पर हम लोगों ने स्टेप डाउन ऑटो पर पे नंबर ऑफ को कितना लिया था N1 -N2. और ए बी के लिए वोल्टेज को हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था वी वन माइनस वी टू और एबी पोर्सन पर करंट का वैल्यू कितना था आई वन और रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू कितना था आर वन और एक्स वन और ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को कितना लिया था R2 और X2. और वाइंडिंग पर हम लोगों ने करंट के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया था आई टू माइनस आई वन और हम लोगों ने लोड पर कितना वोल्टेज लिया था V2 अब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी को अब हम लोगों ने अलग अलग करके ड्रॉ कर लिया है उसके लिए अब हम लोगों को टर्न रेशियो के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो यहां पर एज्यूम कर लेते हैं टर्न रेशियो के इज इक्वल टू तो यहां पर अब हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को प्राइमरी साइड पर नंबर ऑफ टन कितना दिया गया है एन वन माइनस एन टू और टर्न रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टन को डिवाइड करना होगा तो लिख पाएंगे एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू तो अब हम लोग यहां पर आगे इस टर्न रेशियो की हेल्प से इस सेकेंडरी साइड के क्वांटिटी को प्राइमरी साइड के तरफ ट्रांसफर करके लिखेंगे अगर आप लोग चाहें तो प्राइमरी साइड के क्वांटिटी को सेकेंडरी साइड पर भी रिफर करके लिख सकते हैं इस टर्न रेशियो के हेल्प से अब हम लोग यहाँ पर पहले लोड वोल्टेज बी को जो कि वाइंडिंग BC पोर्शन का वोल्टेज है उसको अब हम लोग वाइंडिंग ए बी पोर्सन पर ट्रांसफर करेंगे तो कितना लिख पाएंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू अब हम लोग यहां पर आगे BC वाइंडिंग के पोर्शन का करेंट आई टू माइनस आई वन को वाइंडिंग ए बी पोर्सन पर ट्रांसफर करेंगे तो उसके वैल्यू को अब हम लोग यहां पर कितना लिख पाएंगे तो लिखेंगे आई ए बी इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वन एन टू एन टू और डिवाइड करके लिखना होगा एन वन माइनस एन टू को हम लोग यहां पर आगे वाइंडिंग बी सी पोर्सन के रेजिस्टेंस आर टू और लीकेज रिएक्टेंस एक्स टू के वैल्यू को भी AB वाइंडिंग पर ट्रांसफर कर लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो पाएगा लिखेंगे आर ए बी इज इक्वल टू आर टू इन टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू और इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब हम लोग यहां पर आगे ठीक इसी प्रकार से लीकेज लिए भी लिखेंगे तो एक्स ए बी इज इक्वल टू लिख पाएंगे एक्स टू एन टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू का स्क्वायर यहां पर अब हम लोगों ने जो भी बीसी वाइंडिंग पोर्शन के क्वांटिटी थे उनको हम लोगों ने वाइंडिंग एबी पोर्सन पर ट्रांसफर कर लिया और देखा कि उनके वैल्यू पे टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग क्या चेंज आएगा और अगर आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं कि प्राइमरी साइड के क्वांटिटी को सेकेंडरी साइड पर या सेकेंडरी साइड साइड के क्वांटिटी को प्राइमरी पर कैसे ट्रांसफर किया जाता है टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के प्ले से ट्रांसफार्मर विद वाइंडिंग रेजिस्टेंस के वीडियो को पूरा देखे अब हम लोग यहाँ पर आगे जो वाइंडिंग पोर्सन BC के क्वांटिटी को ट्रांसफर करके हम लोगों ने वाइंडिंग पोर्शन AB पर कैलकुलेट किया है अब हम लोग इसको इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग AB पोर्शन के लिए सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ड्रॉ करके एक नया डायग्राम बना लेंगे तो यहाँ पर अब हम लोगों ने BC वाइंडिंग के क्वांटिटी को वाइंडिंग AB पोर्शन के साथ सीरीज पर ड्रॉ कर लिया है और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो हम लोगों ने करेंट आई ए बी कैल्कुलेट किया है उसका वैल्यू करेंट वन के क्या होगा इक्वल अब हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर पॉइंट ए और बी के जो वोल्टेज का वैल्यू वी वन माइनस वी टू है उसके वैल्यू को इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे या लिखेंगे तो वोल्टेज वी वन माइनस वी टू का वैल्यू रेजिस्टेंस आर वन और रिएक्टेंस एक्स वन के ड्रॉप के रेजिस्टेंस आर वन और रिएक्टेंस एक्स ए बी के ड्रॉप के और इस लोड वोल्टेज वी ए बी के ड्रॉप के सम के इक्वल होगा तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे वोल्टेज V1 वन माइनस वी टू इज इक्वल टू आई वन ब्रेकेट पर लेना होगा R1 और जे एक्स वन जो कि इस क्वांटिटी के वोल्टेज ड्रॉप को शो करता है अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आई ए बी का वैल्यू किसके इक्वल पे है आई वन तो इस आर ए बी और एक्स ए बी के ड्रॉप को किस प्रकार से लिख पाएंगे आई वन आर ए बी और एक्स ए बी के वैल्यू को अब हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं तो लिखेंगे आर टू प्लस जे एक्स टू और इन दोनों टर्म से एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कितना लिख पाएंगे एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू का स्क्वायर और अब हम लोगों को इस पे इस वोल्टेज ड्रॉप को सम करके लिखना होगा जिसके वैल्यू को अब हम लोग इस जगह पर लिख लेंगे प्लस v2 फिर ब्रैकेट पे n1 वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन अब हम लोग यहां पर आगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वाले टर्म को हम लोगों को एक साथ लिखना होगा और रिएक्टेंस रिएक्टेंस वाले टर्म को एक साथ लिखना होगा तो उसके लिए अब हम लोग यहां पर एक नए क्वांटिटी को एज्यूम कर लेंगे यहां पर अब हम लोग साइड ए बी के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखेंगे आर ई ए बी और इसका वैल्यू किसके इक्वल पे हो जाएगा आर वन प्लस आर टू और ब्रेकेट पर लिखना होगा एन वन माइनस एन टू अपॉन एन टू का होल स्क्वायर अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से रिएक्टेंस के लिए भी लिख लेंगे टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑन साइड ए बी तो कितना लिख पाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाय एन टू का होल स्क्वायर तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे और रेजिस्टेंस वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से और रिएक्टेंस वाले टर्म पे कुछ इस प्रकार से टर्म मिलेगा जिसको अब हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं E ए बी और X ए e बी तो अब हम लोग इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख पाएंगे तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू आई वन इस इसपे अब हम लोगों को लेना होगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई ए बी प्लस जे और यहां पर हम लोगों को लिखना होगा टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑन साइड ए बी प्लस वी टू एन वन माइनस एन टू अपॉन एन टू आप लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा है हम लोग इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो लिख पाएंगे v1 is equal to, इस v2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस v2 और यहां पर हम लोगों को प्लस में लिखना होगा i1 r eab j x eab अब हम लोग यहां पर आगे इस वाले टर्म को भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एन वन अपन एन टू का पहले वी टू के साथ क्या करना होगा मल्टीप्लाई और जब हम लोग इस वाले टर्म को करेंगे तो N2 N2 क्या हो माइनस वन और जिसका अब हम लोग V2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को यहां पर क्या मिलेगा माइनस वी टू तो अब हम लोग इस इक्वेशन पर देख पाएंगे कि प्लस वी टू और माइनस वी टू क्या हो जाएगा कैंसल तो यहां पर हम हम लोगों को वी वन का वैल्यू कितना मिलेगा अब हम लोग यहां पर आगे सिंगल फेस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे जिसके प्राइमरी साइड पर हम लोगों को वोल्टेज का वैल्यू कितना लेना होगा वी वन और करंट के वैल्यू को कितना लेना होगा आई वन और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को कितना ले पाएंगे आरई ए बी और एक्सई ए बी और जिसके हम लोगों को सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज के वैल्यू को कितना लेना होगा V2 into N1 divided by N2. तो यहां पर अब हम लोगों ने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम को किया अब हम लोग इस सर्किट डायग्राम पर चाहे तो ट्रांसफार्मर के नो लोड साइड के क्वांटिटी को इस सिंगल फेस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस प्रकार से पर, है अब हम लोगों ने इस सिंगल फेस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट पर नो लोड करंट और उसके कंपोनेंट को भी ड्रॉ कर लिया है जहां पर आई जीरो क्या है नो लोड करंट आरसी क्या है इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस और एक्सएम क्या है इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रिएक्टेंस इसी के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया जहां पर हम लोगों ने सीखा कि सिंगल फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से बनाया जाता है तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें